पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि इस संकट की घड़ी में प्रदेश के लोगों के साथ खड़ा हूं। उन्होंने कहा, आपातकालीन स्थिति में किसी को अगर सरकार के नंबरों से मदद ना मिले तो लोग उनके द्वारा जारी नंबरों पर मदद के लिए संपर्क कर सकते हैं। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का प्रकोप बना हुआ है। प्रामाणिक इलाज के अभाव में यह वायरस खतरनाक रूप ले रहा है, इसलिए अब हमारे सामने एक ही विकल्प है, वो है बचाव। इसे फैलने ना दें। कांग्रेस नेता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि सर्दी, जुकाम, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, मांसपेशियों में दर्द हो तो इसमें लापरवाही न बरतें। राज्य शासन ने कोरोना वायरस के लिए सीएम हेल्पलाइन नंबर 181 और स्वास्थ्य हेल्पलाइन नंबर 104 जारी किया है। आपात स्थिति में आप इन नंबरों पर तत्काल संपर्क करें, लेकिन यदि आपको वहां से कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता है तो मैं और मेरा दफ्तर आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहेगा। ऐसे में दिग्विजय सिंह ने अपने दफ्तर के सहयोगियों और जिम्मेदार लोगों के नंबर शेयर किए हैं, 07552441788, 7442441790। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अपने सहयोगी भूपेश गुप्ता का नंबर जारी किया है, वो है 9188395050028। उन्होंने अपने एक और सहयोगी ओपी शर्मा का नंबर जारी किया है, वो है 9826047546। उपेंद्र जोशी 7509310834। पहला शर्मा 9425012595। दिग्विजय सिंह ने कहा, मैंने वादा किया था चुनाव जीतूं या हारूं, मैं हर संकट की घड़ी में आपके साथ खड़ा रहूंगा, मैं आज आपके साथ खड़ा हूं। नमस्कार, मैंने आपसे वादा किया था जब चुनाव लड़ रहा था कि मैं चुनाव जीतूं या हारूं, मैं सदैव आपके संपर्क में रहते हुए जो भी मुझसे बन सकेगा मैं सेवा करूंगा। पूरी दुनिया में आज कोरोना वायरस का प्रकोप फैला हुआ है, तबाही मची हुई है। ऐसे संकट के काल में मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि चूंकि कोरोना वायरस, जो कि जिसे कि नोवेल कोरोना वायरस कहते हैं, COVID-19, अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है। इलाज है तो केवल बचाव, और बचाव किस प्रकार किया जा सकता है उसका उल्लेख मैं अपने मैसेज में दे रहा हूं। आप उस मैसेज को पढ़कर उसका पालन करें, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का सहयोग करें। सीएम हेल्पलाइन नंबर 181 या स्वास्थ्य हेल्पलाइन 104 181-104 पर आप फोन करें। यदि आपको वहां पर संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता है तो मैं अपना लैंडलाइन नंबर आपको दे रहा हूं, मेरे कार्यालय में काम करने वाले लोगों के नाम और नंबर दे रहा हूं, आप उससे संपर्क करें और मैं जो भी हो सकेगा मैं आपकी मदद करने के लिए सदैव तत्पर हूं। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता हूं कि आपको सुख, शांति और स्वस्थ जीवन दे। इसलिए मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप भरोसा रखें, ईश्वर आपकी सदैव मदद करेगा। धन्यवाद। लाइफ इज अबाउट टू चेंज, है नो मोर 8 घंटे की नींद, नो मोर लेट नाइट मूवीज, नो मोर पार्टीज विद फ्रेंड्स। बिल्कुल सही कहा तुमने, इसके फ्यूचर के लिए अब नो मोर हॉलीडेज, नो मोर शॉपिंग और नो मोर फिजूल का खर्च। लेकिन अगर इसका फ्यूचर ऑलरेडी सिक्योर्ड हो तो? रियली? डैडी बने हो? देवदास नहीं, जीना छोड़ दूंगा, हॉलीडेज छोड़ दूंगा। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में। क्यूट वाले मेहमान से पहले LIC। बाकी सब बाद में, पहले सुन मेरी बात रे। घर हो अपना, फॉरेन की डिग्री और छुट्टी विद जिगरी है, मेरे ड्रीम्स न जाने कितने 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 कितने, पर हमने कभी ना फिकर की क्योंकि हमने पहले ले ली LIC, क्योंकि हमने पहले ले ली LIC। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में, पहले LIC। ऋषि, ये पंडित जी क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि मुझे तुम्हें जिंदगी के सभी खतरों से बचाना है। फिर तो मेरी लाइफ खतरे में है, क्योंकि जो कॉकरोच से डर जाए वो मेरी क्या रक्षा करेगा।
वेल, कॉकरोच छोड़कर तुम्हारी पूरी लाइफ एकदम सिक्योर है। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में। फॉरएवर वाले रिलेशनशिप से पहले LIC। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।